के बाद मुझे दुख हुआ कि डॉक्टरों का कलाम पढ़ा जाता है तो सब दुख खराब हो जाए। वो ये हमारे जो रहमई करते मैं उनसे बर्दाश्त करूँगा। खुदा के इतराम है कि लोग कई कई घंटे खड़े रहते हैं और खुदा की जो लोग ताज़ीम नहीं करते खुदा उनकी ताज़ीम नहीं करता। वो दोनों वक्त पड़ गए मैं सुबह था एक मैं दरख्वास्त को कहता जो भी भाई ली रहमई करें मैं आपसे दरख्वास्त को मुस्तश सब खुदा का कलाम पढ़ा जाए सब बाइज़्ज़त बाइकराम खुदा के हुज़ूर में पढ़े और खुदा के कलाम को सुने कि क्या कलाम पढ़ा गया। इस हाल से पहला दिन क्या पढ़ा गया ईसा कितनी है यार पहचान। इस हाल से दूसरा दिन उसका छठा भाग 16 से आइए पढ़ते हैं मत्ती सुखी जी उसका छठा भाग और उसकी 16 आयत और जब तुम रोजा रखो तो रयाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोजा रात जाने। मैं तुमसे कहता हूं कि वो अपना आज क्या चुका चुके हैं पा चुके किताबे मुकद्दस को पूरे चालू बोलूं आप उसको बोलना वक्त जब तू रोजा रखे तो क्या करे अपने सर में तेल डाल और मुंह धो ताकि आग भी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी है तुझे रोजादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। हम गुज़श्ता कई दिनों से खुदा के कलाम जो रोजे के बारे में हम सुना रहे हैं लेकिन बहुत से कलीसिया के सवालों का जवाब अभी तक खुदा के खादम नहीं दे सके। बहुत से लोग टेलीफोन करते हैं और मुख्तलिफ किस्म के सवाल पूछते हैं लेकिन मैं आज जितनी बातें कहूंगा मेरे बाद जितने भी खादम उनसे मैं दरख्वास्त करूंगा कि वो रोजे पर और ज्यादा तालीम दें क्योंकि आधे घंटे मेरे लिए मुश्किल है कि मैं पूरे रोजे को बयान कर दूं लेकिन मैं आज चंद जरूरी बातें रोजे के बारे में बताना चाहूंगा। रोजे किताबे मुकद्दस में रोजे की मुख्तलिफ के लिए मुख्तलिफ किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए गए। क्या किए गए हैं मुख्तलिफ किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए गए। कहीं रोजों को रोजा को जान को दुख देना कहीं फाका कशी नफ्स कशी परहेजगारी और किसी जगह और लिखा गया। दरअसल रोजा कोई हुक्म नहीं क्या नहीं कोई हुक्म नहीं बल्कि एक मजहबी फरीजा है। हम पर यह आयत है कि हम रोजा रखें क्या करें हम रोजा रखें। रोजा रखने से हम बहुत सी खुदा के हुजूर से बरकत पा सकते हैं। ऐसो जो लोग रोजा नहीं रखते मैंने देखा है कि बहुत सी बरकतों से महरूम है। अक्सर शिकायत करते हैं कि हमारे घर में यह मुसीबत आ गई अक्सर शिकायत करते हैं हमारे ऊपर यह तंगी आ गई हमारे ऊपर इस बीमारी ने हमला कर दिया। आज हमारी कलीसिया के ऊपर बहुत से हमले हो रहे हैं। रिसेंटली मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ बैरजे की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ इसी के साथ साथ बाईवास की गाड़ी का पता चला और भी एक्सीडेंट हो रहे हैं। क्यों मैं सबसे पहले अपनी खामी मुस्तैदा करूंगा क्योंकि मैं कुछ मेडिसिन की वजह से इस काबिल नहीं कि मैं रोजा रख सकूं लेकिन जो कलीसिया के तंदुरुस्त लोग हैं क्या उनको क्या रोजा वो नहीं रख सकते। हमने रोजा अपने लिए रखना है अपनी कलीसिया के लिए रखना है अपने खादमों के लिए रखना है और एक दूसरे के लिए रखना है। क्या हमारी मोहब्बत सो गई क्या हमारी मोहब्बत मुर्दा हो गई कि क्या हम तंदुरुस्त होकर भी हम रोजा नहीं रख सकते। आज मैं दुख के साथ ये कहूंगा जब खुदावन में मैं तंदुरुस्त था मुझे यह बीमारी का अटैक नहीं होता लेकिन इसके बावजूद मैं बुध को जुमे को रोजा रखता था और कलीसिया के जिस मकसद के लिए मैं दुआ करता था खुदा सुनता था। कहां है हमारे वो लोग कहां है आज के रोजे हमारी जगह खाली हो रही है। खुदा का एक आदम कहता है मेरे हजार मेरे पास 6000 लोग थे मैंने देखा कि मेरी कलीसिया कम हो गई। मैं कहा खुदावन क्या बात है क्या बात है कि मेरी कलीसिया में ऐसे लोग कम हो गए।
कहता है तेरे लोग ना कलाम पढ़ते हैं, ना दुआ करते हैं और ना रोजा रखते हैं। खुदा ने क्या कहा कि तेरे लोग क्या करते हैं, ना कलाम पढ़ते हैं, ना दुआ करते हैं और ना रोजा रखते हैं। कौन सी कुवत आप खुदाओं से चाहते हैं, कौन सी जरूरत आप खुदाओं से पूरा करवाना चाहते हैं? खुदाओं के लिए क्या हम तंदुरुस्त होकर भी अपने लोगों के लिए, अपने खाबों के लिए, अपनी कलीसिया के लिए रोजा नहीं रख सकते? मैं 3-4 हफ्ते से, बाकी एक पूरा महीना ही इस क्राइसिस में से गुजरा, बीमारी के दौर में से गुजरा, लेकिन मैंने खुदाओं से कुवत मांगी, जैसे ही मैं बहाल हूंगा मैं खुदाओं फिर उसी तरह खुद को और जुमा को मैं रोजा रखूंगा। मैं उन तंदुरुस्त लोगों से सवाल कर रहा हूं आज, कितने लोग हैं जिनको खुदा ने सीधी हाथ खड़ा करें, इस तरह से हाथ खड़ा करें, कितने लोग हैं जिनको खुदा ने तौफीक नहीं दी कि रोजा ना रखे? वो हाथ करें जिसको खुदा ने तौफीक नहीं दी कि ना रोजा रखे। हम कहते हैं कि रोजा क्या है, सुन सुन के हमारे कान पक गए हैं, लेकिन रोजा रखना पसंद नहीं करते, लेकिन सुनना पसंद करते जी रोजा क्या है, एक दिन का है, 3 दिन का है, 24 घंटे का, 12 घंटे का है। अगर हम 8 घंटे का नहीं रख सकते, 12 घंटे का क्या रख सकते हैं, तो खुदा के कलाम पर कौन सा आप अमल कर सकते? ऐसी रोजे के वसीले से लोगों ने अपनी कौम को बचा लिया, 3 दिन 3 रात तक शहशाह की बेगम ने रोजा रखा। तो हम तो क्या, क्या हम रोजा नहीं रख सकते? नहीं रख सकते। हमें रोटी को छोड़ना पसंद रही, हमें पानी छोड़ना पसंद रही, हमें अपनी याशी छोड़ना पसंद रही, हम चाहते हैं तो रोजा ना रखें, दूसरे हमारे लिए रोजा रखे, दुआ करें। मैं आज कलीसिया से चैलेंज कर रहा हूं कि अगर यही हाल हमारी कलीसिया का रहेगा तो दिन ब दिन ये लोग, ये जगह खाली मिलती जाएगी आपको। हम खाद चलाते रहेंगे, गला फाड़ के चलाते रहेंगे, लेकिन आपको हमारी आवाज सुननी होगी। खुदा उसके खुदा के खाद ने कहा कि मेरे 6,000 में से 2,000 लोग हैं, कहां 4,000 लोग हैं? खुदा ने कहा उठ, रोजा रख, लोगों के लिए जोर बेदार कर, आज मैं रोजे पे क्या लेक्चर दू? हमें तो सिर्फ यह बता दिया ये मजहबी फरीजा है, आप कौन सा मजहबी फरीजा अदा कर रहे हैं? अगर मैं हुक्म दू तो कहेंगे पास्टर साहब हमें हुक्म देते, कौन सा रास्ता इख्तियार करें, कौन सी दरखास्त करें, किस नाम का वास्ता दें कि आप रोजा रखें? आइजो रोजे के बारे बहुत कुछ सुने, हमने बहुत से लक्ष्य सुने हैं, लेकिन रोजा रखना हम पसंद नहीं करते। और जब रखोगे हमारे तन में कुवत आएगी, क्या आएगी? जोर से बोले, हमारे तन में कुवत आएगी, हम रूहानी तौर पर मजबूत होंगे। बोले, हम रूहानी तौर पर मजबूत होंगे। खुदा का कलाम कहता है कि रोजा शख्सी भी है। अगर एक शख्स दूसरे लोग नहीं रखते, कहेंगे मेरा फर्ज है, भाई व्यास कहे मेरा फर्ज है, भाई फ्रांसिस कहे मेरा फर्ज है, भाई जूली कहे मेरा फर्ज है, भाई मन कहे मेरा फर्ज है, भाई अयूब कहे मेरा फर्ज है, भाई सलीम, भाई जफर, इधर मेरे जितने लोग कहे मेरा फर्ज है। क्योंकि हम खुदा के खाद में सबसे पहले खुदा अपने खादमों से सवाल करेगा कि आपने कितने रोजे मेरी कलीसिया के लिए रखे। शख्सी रोजा हम सब ने रखना है। आज मैं हर एक को चैलेंज कर रहा हूं, पहले शख्सी रोजा की प्रैक्टिस करें, फिर जब आप में कुवत आए तो फिर लोगों को बुलाएं, क्यों हमारे साथ मिलकर रोजा रखो। पहले शख्सी रोजा की क्या करो, प्रैक्टिस करो। शख्सी रोजे का जिक्र मिलता है कि लोग कल अकेले भी रोजा रखते थे, अब भाई रास भाई काम में कहीं है, पासा कहीं है, भाई सभी कहीं है, लेकिन आप अपनी जगह पर रोजा रखें और कहें एक दूसरे को कि आज हमने शख्सी तौर पर रोजा रखना है और आज हमने अपनी कलीसिया के लिए रोजा रखना है, आज हमने अपने खानदान और बच्चों के लिए रोजा रखना है। फिर जब आपके अंदर कुवत है, बेटा बाहर जाओ, बेटा जाओ, बेटा वापस बुला उसको ताकि सुने आज का कलाम। आज ये लोग जब कलाम सुन नहीं सुनते, वो जो बातें नहीं सुनते, फिर भूलते पूछते क्या कहा। जो खुदा के कलाम में लिखा, फिर इज्तमाई अपने घरों में लोगों को बुलाएं,
कि आओ हमारे साथ रोजे में बैठकर हमारे घर में दुआ करो, खुदा के काबू आओ, खुदा के लोगों आओ, हमारे साथ मिलकर रोजा रखो और दुआ करो। पहले एक कुवत, जब पांच लोग आएंगे पांच कुवत, उसके बाद और लोग आ जाएंगे तो दस लोग की कुवत होगी। अगर सदूम और अमूरा में दस लोग बच जाते तो कई राष्ट्रवाद बन जाते, तो कई लोग, कई लाख लोग बच सकते। आज एक राष्ट्रवाद की दुआ से बहुत कुछ हो सकता है। शहर सरफराजी पा सकते हैं, हमारे खानदान सरफराजी पा सकते हैं एक शख्स की दुआ से, एक राष्ट्रवाद की दुआ से, एक दीनदार की दुआ से। कहें कि मैंने शख्सी रोजा रखना है और मेरा शख्सी मकसद यह है कि मैंने आज दिल में यह तहिया किया है कि मैंने आज इतने वक्त से लेके इतने वक्त तक मैंने रोजा रखना है। फिर इज्तमाई रोजा रखें, दोस्तों को बुलाएं, रिश्तेदारों को बुलाएं, छोड़ो इन खाने पीने की चीजों को, रोजा रखो, आओ द्वार में बैठे, खुदावों से कुवत पाए। जो कहते हैं तान में कुवत नहीं, उनके तान में कुवत आ जाएगी। खुदा ने मुझे बहुत कुवत दी, बड़े बड़े हिम्मत, बड़े बड़े चैलेंजों में से गुजरा। अगर मैं अपनी स्टोरियां बताऊं मेरे साथ कैसे कैसे हालात गुजरे, तो ये सिर्फ आज मैं अगर आपके सामने सरफराजी ऐसे हाथ में खड़ा हूं तो ये दुआ और रोजे की वजह से है। हालेलुया, इज्तमाई रोजा रखे। फिर आज रोजा कलीसिया भी होता है। अगर आज मैं कलीसिया के सामने ऐलान करूं कि अगले जुमे को आपने सुबह 6 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक रोजा रखना है, तो इतने से हाथ उठेंगे, क्या करेंगे, क्या होंगे, इतना सा हाथ उठेगा। क्या तंदुरुस्त लोगों, ऐ खुदा के लोगों, तमाम क्या आपके तान में कुवत नहीं? मेरा सवाल, क्या आपके तान में कुवत नहीं है? खुदा के लिए इसको इस्तेमाल कर। और खुदा के, जब कलीसिया रोजा होता था तो खुदा के खादम मिसबा से ऐलान करते कि हमारी सारी कलीसिया के लोग, हमारी सारी बहने, हमारे भाई, हमारे स्पिरिचुअल लीडर्स और खुदा के खादम सुबह 6 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक रोजा रखेंगे। और हमारा यह मकसद होगा कि हमारी कौम तरक्की करे, हमारी कलीसिया में खुशहाली आए। और खुदा के खादम कलीसिया में ऐलान करते थे और मकसद भी बताते हैं। आज हम तंदुरुस्त होकर भी ये फर्ज पूरा नहीं कर सकते, तो बीमार होकर क्या करेंगे? उसे दरखास्त करते कहेंगे भाई की नजर दुआ करो।